वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे तुसीं सब आखो भी जानते कि पंजाब पुलिस ने नशियां के खिलाफ एक मुहिम विड़ी हुई है, जिस दे तहत हुण नशे दे वड्डे सौदागर वड्डे मगरमच्छ भी उन्हां दे तक्के चढ़न लग पए ने। लुधियाणा एसटीएफ रेंज पुलिस ने दो अलग अलग मामलों के 4 किलो 210 ग्राम हैरोइन, 1 32 बोर पिस्तल, 13 जिंदा कारतूस, 60,000 रुपए की नकदी और 1 फॉर्चूनर कार समेत 7 आरोपी काबू करने सफलता हासिल की है। आरोपियों 3 महिलाएं भी शामिल हैं। विश्व एंटी ड्रग दिहाड़े के मौके पर इस वड्डी कामयाबी बारे जानकारी देंदिया होया आईजी स्नेहदीप शर्मा ने दस्या कि गैंगस्टर भरावां नूं जो कि नशा तस्करी दे वड्डे मगरमच्छ हन, गुप्त सूचना दे आधार ते काबू करके उन्हां पासों 3 किलो 210 ग्राम हैरोइन भारी मात्रा विच असला बरामद कीता गया है। स्नेहदीप ने कहा कि आरोपियों की पत्नियां भी नशे के नाजायज कारोबार विच उन्हां दा साथ दिंदियां सन। इसे लड़ी के तहत एक्टिवा सवार पति पत्नी नूं पिंड लोहारा नेड़े काबू करके उन्हां कोलों 810 ग्राम हैरोइन बरामद की गई है। एक होर मामले दे विच एसटीएफ ने पहला तो दर्ज मामले विच जेल विच बंद आरोपण हिना नूं प्रोटैक्शन वारंट ते लियांदा। पुछगिछ दौरान उस दे घर विचों लुकोई हुई 200 ग्राम हैरोइन बरामद करन विच सफलता प्राप्त की। उन्हां कहा कि आरोपियों पासों टोटल 4 किलो 210 ग्राम हैरोइन बरामद की गई है। आरोपियों वालों नशा वेच के बनाई गई प्रॉपर्टी भी नाल अटैच की गई है। तुहानूं दस दईए कि काबू किया गया गैंगस्टर राजकुमार राजू अते उसके साथी हैं, जिन्हां उत्ते संगीन धाराओं के अधीन हुण मामला दर्ज कर लिता गया है। कल 2 FIR रजिस्टर की थी जी एसटीएफ यूनिट लुधियाना ने, और जिसमें 76 नंबर और 77 नंबर 2 FIR रजिस्टर की हैं। एक ही गैंग के ये अलग अलग व्यक्ति हैं, एक केस में 4, दूसरे में 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, और इसमें से 2 भाई हैं, राजकुमार और अरुण कुमार। ये बेसिकली कपूरथला एरिया के रहने वाले हैं। पिछले 10-12 साल से ये ड्रग के धंधे में इन्वॉल्व थे, और इनको हम बिग फिश कह सकते हैं क्योंकि इनका नेटवर्क काफ़ी फैला हुआ था, और 12 साल से बहुत ज़्यादा काम किया है इन्होंने ड्रग्स का। और ये काफ़ी केसेस में वहाँ पे भगौड़े हैं। एक के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं, एक के खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें NDTF के मुकदमे रजिस्टर्ड हैं, और अदर क्राइम सीनियर क्राइम 307 और डकैती वगैरह के FIR रजिस्टर्ड हैं। मोस्ट ऑफ द केसेज में ये PO है, और वहाँ से निकल के 2 साल पहले यहाँ पे लुधियाना में आ गए थे। लुधियाना में आके इन्होंने यही धंधा कैरी ऑन किया और अपना काफ़ी नेटवर्क बना लिया था। अब इनको पकड़ने के बाद ये नेटवर्क ब्रेक हो गया है, और इनसे अब टोटल जो है दोनों केसेस में, एक 76 और 77 नंबर FIR में 4 किलो से ज़्यादा रिकवरी हमने हेरोइन की है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि भी इन्होंने और कोई काम नहीं है इनका, इसी धंधे में से इन्होंने एक नई फॉर्चुनर गाड़ी ली हुई है, जो भी 15-20 दिन इनकी इन इन्वेस्टिगेशन में आया है कि 15-20 दिन पहले नई गाड़ी ली है, वो हमने रिकवर कर ली है। इसके अलावा 2 कोठियाँ इन्होंने बना रखी हैं लुधियाना में, एक नया प्लॉट लिया है, और ये सारी प्रॉपर्टी हमने ऑन रिकॉर्ड ले ली है, और इनको फॉरफिट करने के लिए अपना प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे। और इसमें दूसरी बात यह है कि इसी गैंग के 2 और व्यक्ति, नमन गुप्ता और उसकी वाइफ, जो इनका सामान लेके आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, उनको भी अरेस्ट किया, और उनके खिलाफ हमने FIR रजिस्टर किया 77 नंबर, जिसमें से 810 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। टोटल कितनी कितने जेंट्स और वुमेन, ये इसमें से दोनों केसेस में 3 आदमी पकड़े हैं, जिसमें से 2 रियल ब्रदर हैं कपूरथला एरिया के, और 1 अमृतसर का रहने वाला है, वो भी यहाँ पे आके अपने इन लॉज के यहाँ पे रह के तो इसी काम में लगा हुआ था, और इनकी वाइफ से। इसके अलावा जो है कि ये 2 मुकदमों में कन्विक्ट भी हो चुका है। कन्विक्शन के बाद ये वहाँ से परोल पे भागे हुए हैं और PO हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ये कहाँ से लाते थे इन्होंने, क्या ये इनका जो हेरोइन है जी, ये दिल्ली से भी लाते थे और अमृतसर से भी लाते थे। उनका यहाँ पे एक नेटवर्क है, गैंगस्टर्स के साथ भी एसोसिएटेड है, और
इन्होंने फायरिंग भी की है कई जगह पे, इसके केसेस रजिस्टर्ड है, उसकी तफ्तीश कर रहे हैं और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से कंटेक्ट कर रहे हैं। सर असला कितना बरामद हुआ? और इससे एक पिस्टल भी बरामद हुआ है जो 0.32 बोर का, और 4 मैगजीन और 13 राउंड है इससे बरामद हुए हैं। और गैंगस्टर्स के थ्रू ही ये अक्रॉस द फेंस पाकिस्तान में जो बैठे स्मगलर्स हैं उनके साथ भी इनके कंटेक्ट एस्टेब्लिश हो रहे हैं, जिनको हम फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। ड्रग मनी भी पकड़ी है? हाँ, इससे जो 60,000 की ड्रग मनी भी साथ में पकड़ी है, और ये प्रॉपर्टीज में हमने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने कब्जे में ले लिए हैं, और इसका जो प्रोसेस आगे कंप्लीट कर लिया। एक हमने पहले FIR रजिस्टर की थी 56 नंबर से हम हाल ही में, उसमें हमने 810 ग्राम हेरोइन ग्राम की थी, उसमें एक लेडी हिना जो वहाँ से नहीं पकड़ी गई थी, शी वॉज अब्सकॉन्डिंग, अब वो जेल में चली गई थी किसी और केस में, हमने उसको वहाँ से प्रोडक्शन वन पर लाया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन के बाद उसकी निशानदेही के ऊपर हमने 200 ग्राम हेरोइन और ग्राम की। सो कल की कार्रवाई में एसटीएफ जरूर लुधियाना 3 FIR रजिस्टर की हैं, और 4 किलो 200 ग्राम से ऊपर रिकवरी की है, और ये बहुत अच्छा नेटवर्क ब्रेक हुआ है जिससे कि काफ़ी इनका जो क्लाइंटेज है और चीन ब्रेक है। ਗੁਰਪੇਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਓਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕੋਟ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਓਗੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।